हमारे साथ कल्चरल रिलेशन है बांग्लादेश का, इसीलिए हृदय मिलता है। इसलिए जब त्रिपुरा के डेवलपमेंट की बात आती है तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री दिल खोल के सपोर्ट कर देती है, मदद करती है। नहीं तो एसओपी हम खुल पाते, चिटागंग बंदर का मिलता है, बांग्लादेश प्रधानमंत्री हमको नहीं देती, मिलती क्या? आप त्रिपुरा लॉजिस्टिक हब बन पाती क्या? आप लोग कल्पना कर सकते हैं, 2.5 से 3 लाख लोगों का रोजगार होगा इस त्रिपुरा में उसके कारण से। किस कारण के संभव हुआ? दोनों देश के प्रधानमंत्री के जो बंधुत्व है, सांस्कृतिक मिलन है, हृदय के साथ एक संपर्क है, उसके कारण से हुई है। वो हम लोग को जोड़ के रखता है। तो मैं यूनिवर्सिटी में आया हूं तो कुछ तो काम हमारे सरकार ने किया, वो भी तो मैं बताऊंगा। ऑनलाइन कॉलेज के एडमिशन के लिए पोर्टल तैयार किया, कुछ प्रॉब्लम हुई थी। पहला काम शुरू करते समय थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, किंतु ये भी तो बात है, त्रिपुरा जैसा छोटा स्टेट में, जो कि बड़े बड़े मेट्रो में होती है, दिल्ली में, मुंबई में, किंतु त्रिपुरा जैसा स्टेट में हमने ऑनलाइन डिग्री कॉलेज की एडमिशन की व्यवस्था की, पोर्टल तैयार किया, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई, सब तो कर लिया ना, तो पोर्टल तो तैयार कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट के कौन सी राज्य में पोर्टल से एडमिशन होती है एक बार देखिए। इसको आप डेवलपमेंट के पैरामीटर नहीं मानेंगे, हम डिजिटलाइजेशन के बात बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात बोलेंगे तो हम नहीं करेंगे ये सब। आज एक साथ त्रिपुरा में 20 CBSE सिलेबस आ गया है गवर्नमेंट स्कूल में, ये क्या एजुकेशन के नया पैरामीटर नहीं है? यूनिवर्सिटी में तो बच्चे तब मिलेगा जब उसका फाउंडेशन अच्छा होगा, वो पढ़ के 12 पास करके जब आएगा कॉलेज में पढ़ेगा, देन वो यूनिवर्सिटी में आएगा। फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, सिलेबस ही सही नहीं है, तो आपके पास स्टूडेंट तो वैसा ही आएगा, बाहर से कुछ आएंगे ठीक है, किंतु त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में मेरे पास जो डेटा है मैक्सिमम 80-90% लोकल स्टूडेंट है, त्रिपुरा का ही है। तो इनके लिए इस सरकार आते ही 2018 में 3 महीने के अंदर रिकॉर्ड करके, पूरे देश में रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ पाया, एनसीईआरटी के सिलेबस हमने लाया त्रिपुरा में, फाउंडेशन दे दिया। उस सिलेबस में पढ़ के बच्चा जब ऊपर आएगा तो उसका नेशनल लेवल की जो सिलेबस है उसके माध्यम से पढ़ के आएगा, उसका सोच ऐसा रहेगा, उसका विचार ऐसा रहेगा, उसका एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड वैसा रहेगा। तो इस तरीके से इस सरकार काम कर रहे हैं। चालीस टीचर भी लेने वाले हम प्रोसेस कर रहे हैं टीपीएससी के माध्यम से, ये सुनेंगे तो बहुत लोगों का अच्छा लगेगा, तो नौकरी होने वाला है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल हमने लागू किया, ऑनलाइन काउंसलिंग 2020-21 में हमने लागू किया, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री MBB कॉलेज में एवं BMM कॉलेज में लागू हुई है। 9 डिग्री कॉलेज पहली बार, क्योंकि PPP नाम लेते ही हमारे पुराने बंधु लोग जैसे उनको बुखार उठ जाता है, अरे भैया हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर आए, इन्वेस्टमेंट आए, तो कहाँ आए, रास्ता ही नहीं निकालेंगे तो कंपटीशन कहाँ करेंगे? प्राइवेट स्कूल त्रिपुरा में नहीं है, नहीं है, उसमें अपने बच्चे को भेज देगा, किंतु ऐसे बोलेगा ना PPP मॉडल नहीं आ सकता, तो मत भेजो ना उसको, मैं देखता हूं ना हुआ लाइन, जो लोग बोलता है इनके सब बच्चे उस स्कूल से पढ़े हुए, मैं प्रमाण के साथ दे दूंगा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, प्रमाण के साथ दे दूंगा। सामने प्रोफेसर साहब बैठे हंस रहे हैं,
उनको जानकारी है, सभी को जानकारी है। कौन बोलेगा उस जगह में पहुंचने में 2018 तक बैठना पड़ा हम लोगों को, कंपटीशन हो जाता है। मैं स्कूल के नाम नहीं लूंगा, जो भी प्राइवेट स्कूल उसमें एडमिशन देने के लिए पैरवी करना, मंत्री के पास पहुंच जाना, नेता के पास पहुंच जाना, वहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पुतले का भविष्य खराब हो जाएगा। तो वो तो प्राइवेट स्कूल है, वही पीपीपी मॉडल माने कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके काम करना है। उनको जमीन दिया, उन्होंने बनाया, वह हमारा स्कूल है, कॉलेज है, चल नहीं रहा है, मैं उनको दे दिया, तो नुकसान क्या है? कंपटीशन होती है, उसमें विरोध करेगा अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। मैं इसीलिए आपके सामने बोल रहा हूं कि आप लोग प्रोफेसर हो, आप लोग जो बात बोलते हो सोसाइटी में, लोग उसको मान लेता है, इज्जत देता है। आप जो टीचर स्टूडेंट के साथ बोलोगे ना, तो उस बात को मानता है स्टूडेंट। ऐसा कि मां बाप भी बोलने के बाद नहीं मानता, नहीं मेरे टीचर ने बोला, मेरे प्रोफेसर ने, मेरे डीन ने बोला, वही सच है। आप लोग समाज परिवर्तन करने वाले लोग हो। मैंने बोला जो सत्ता में आया हूं, बस कहा कि पहले भी बोला, समाज परिवर्तन के माध्यम में सत्ता परिवर्तन, सत्ता तो परिवर्तन हो गया, अभी समाज परिवर्तन का बारी है, और उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। कि मैं भली बात ही जानता हूं, आप लोग भी जानते हो, आप लोग जो बोलते हो समाज इसको मानती है। तो आप प्रोफेसर हो, आप शिक्षक हो, आप पर आपके बात के ऊपर विश्वास है लोगों को। इसलिए जब आप बोलोगे, बोले आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, कंपटीशन होगा, यहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हो तो रहा है, कल भी तो आत्मा वाले हमारे पास आया था, जो टायर इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है, MRF के वाइस चेयरमैन आए थे, वाइस प्रेसिडेंट आए थे, सबसे बड़े टायर बनाने वाले कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, किस लिए आए थे त्रिपुरा में? मैंने क्या बोला उनको? ये माननीय प्रधानमंत्री ने रास्ता तैयार किया, रॉबर्ट बोट है या पहले भी थी, किंतु प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी क्या? सरकार भर्तुकी देती थी रॉबर्ट बोट के माध्यम से, गवर्नमेंट सहायता करता था, स्टेट गवर्नमेंट, किंतु प्राइवेट सेक्टर आया था क्या? आत्मा यहां से तो रबर शीट लेके जाती थी, पिछले महीने में भी 2000 मेट्रिक टन लेके गया, मुझे कल बोल रहे, बोले एक महीने में 2000 मेट्रिक टन आपके यहां से लेके गए हम लोग। ये तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जब बोला, बोला हमको रबर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उन्होंने रास्ता निकाल दिया कॉमर्स मिनिस्टर के माध्यम से, माननीय पीयूष गोयल जी के माध्यम से, एक पहली बार, एक फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट में 1100 करोड़ रुपया आत्मा इन्वेस्ट करेगी। इनमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की रबर प्लांटेशन त्रिपुरा में ही ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट में सेकंड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर त्रिपुरा, त्रिपुरा में 50,000 हेक्टर जमीन में रबर प्लांटेशन किया जाएगा, और उसमें 7 साल तक जो भी लगाएगा उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बैंक के माध्यम से उसको लोन दी जाएगी, लोन के किस्तें भी 7 साल तक उनको नहीं देना पड़ेगा। 7 साल में मैंने रबर जब उससे निकलना शुरू होगा रस, तब वो जाके बैंक के किस्ती देना शुरू करेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री, 7 साल तक उसको मदद करेगा। इसके लिए 1100 करोड़ रुपया, और साथ ही साथ अभी जो रबर प्लांटेशन है उसको वैल्यू एडिशन कैसे किया जाता है, उसके लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा कर, 100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। और अब मैं पुराने सोच में बोलता पीपीपी नहीं आ सकता है, तो आएगा क्या ये सब 1200 करोड़ रुपया आएगा क्या आपके पास? अब रास्ता बंद कर रहे हो, आने नहीं दे तो बोलते हो दोबारा इंडस्ट्री बनाएंगे, कैसे बनाओगे? पहले रास्ता खोलो, रास्ता ही बंद कर देगा। पीपीपी का नाम सुनते ही दिमाग खराब होता है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता। मुझे इन लोगों को देखने को दया आते है, कैसे कैसे लोग पहुंच गए थे सत्ता में यहां, जिनका सोच के साथ अपने परिवार का
जो सोच नहीं मिल रहा है। राज्यों के एक दिशा दिखा रहा है, अपने परिवार को दूसरा दिखा दिशा दिखा रहा है। हम राज्य को जो दिशा दिखाते अपने परिवार को वही दिशा दिखाते। हम जब दिल्ली में थे तो हमारे बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे, हम जब राज्य में आए तो मेरे दोनों बच्चे राज्य में ही पढ़े। अब जब हायर एजुकेशन में गए मास कम्युनिकेशन में, तब जाके दिल्ली के किसी यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है, कॉलेज में दिया हुआ है। राज्य का मूल व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा तो बाकी लोग क्यों सोचेगा। तो आज 1100 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, इसमें ज्यादातर त्रिपुरा में खर्चा होगा। और मैंने कल इन लोगों के साथ जो बैठा था, हमने बोला जो 7 साल बाद होगी तो होगी, किंतु अभी वैल्यूएशन, अभी मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, अभी पैसा चाहिए, इसलिए 100 करोड़ रुपया जो है वो तुरंत इन्वेस्ट करिए। कहां करेंगे? हमने 4 सेक्टर उनको दिखा दिया, बोले आप ऐसा करो, केरला में बारिश के समय जो प्लांटेशन होती है रबर, वहां से बारिश के समय भी रबर के जो लिक्विड कस जो निकालते निकाला जाता है। हमारे यहां नहीं होता, हमारे 3-4 महीना बारिश में बंद रहता है। क्यों? हमारे यहां ऊपर कैप नहीं, रेन कैप नहीं दिया जाता, रेन कैप नहीं दिया जाता, इसीलिए बारिश होगी तो खराब हो जाएगा, इसीलिए 3 महीने बंद रखता है। किंतु केरला में नहीं बंद रखता, 12 महीना करता है। तो हमने बोला हमारे त्रिपुरा में आप वैल्यूएशन करो अपने सीएसआर फंड से, उस फंड से रबर ग्रोअर को प्रोवाइड करो अपने से, जो इसमें रेन कैप लगा दिया जाए तो हमारे भी 3 महीने रबर प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो 3 महीने के ज्यादा प्रोडक्शन त्रिपुरा में बढ़ जाएगा। अभी तो पौधे थोड़ी है, जब 3 महीना हम खाली रखते 3 महीने में इसको चालू हो जाएगा, तो तुरंत अपरा इनकम आ जाएगी, एक्स्ट्रा रबर उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा क्या है, जो टैपिंग करता है उसके